दोस्तों, यूके गवर्नमेंट ने असाइलम सीकर्स के लिए पार्लियामेंट से एक नया बिल पास करवा लिया है। इस बिल को रवांडा बिल कहते हैं। आप भी सुनिए आज की ये खबर। The UK government's Rwanda asylum bill is finally to become law. Flights to Rwanda could begin within 10 to 12 weeks. UK government ke is mansoobay ke tahat asylum seekers ko ya asylum applicants ko Africa ke mulk Rwanda bheja jayega, jahan 5 saal ke dauran in applicants ki application ko process kiya jayega. Agar inki applications successful rahi to inko asylum seeker ka darja de diya jayega. अदरवाइज इन सब को अपना बंदोबस्त खुद करना होगा। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक 2200 ऐसे मराकज को बंद कर दिया जाएगा जहां इन पनाहगुज़ीन को या इन असाइलम सीकर्स को रखा जाता था। यूके गवर्नमेंट रवांडा भेजे जाने वाले हर फर्द के लिए रवांडा गवर्नमेंट को 1.5 लाख पाउंड अदा करेगी और हुकूमत के मुताबिक इस मनसूबे से अरबों रुपए की बचत होगी और कश्तियों के जरिए आने वाले पनाहगुज़ीनों की हौसला शिकनी की जाएगी। दोस्तों, अगरचे असाइलम एप्लीकेंट्स के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन अभी भी वो इस डिपोर्टेशन को अदालतों में चैलेंज कर सकते हैं।